हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हाईवे इंजीनियरिंग की न्यूमेरिकल सीट आज डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल शामिल किए हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको एकदम से ब्लैंक माइंड कर देते हैं। आप फार्मूला मिला जुला याद आता है, थोड़ा बहुत याद आता है, लगता है क्वेश्चन बहुत सरल है, पढ़ा हुआ है, तो उनको थोड़ा इंटेंस वे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्लेट बियरिंग टेस्ट है, 20 सेंटीमीटर डाया प्लेट है सॉइल सबग्रेड पर, और यील्डेड प्रेशर पी की वैल्यू दी हुई है, 0.5 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सबग्रेड ई पूछा है। अगर प्लेट बेयरिंग टेस्ट थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें फार्मूला यूज होता है, डेल्टा बराबर 1.18 पी ए अपॉन कैपिटल ई। डेल्टा की वैल्यू दी है, ई की वैल्यू पूछी है, तो डेल्टा ई की जगह चला जाएगा, ई डेल्टा की जगह आ जाएगा। मैथमेटिकल सिंपल वे है। अब इसमें पी क्या है, प्रेशर है जो आपको दिया है, ए क्या है, ये रेडियस है, और आपको डायमीटर प्लेट की दी है, और रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। चूंकि प्रेशर मीटर स्क्वायर में है, आंसर मीटर स्क्वायर में है, तो ये सेंटीमीटर में रखने का कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर हम इसको मीटर में बदल लेंगे, और डिफ्लेक्शन आपका जो है उसको भी मीटर में बदल लेंगे, तो 0.5 सेंटीमीटर 0.05 मीटर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा बी पार्ट 29.50 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम फंडामेंटली चीजें आपसे डिस्कस करेंगे, समय कम लगेगा, चीजें पूरी हो जाएंगी, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिनिमम समय में सॉल्व करने वाली मेथोडोलॉजी पता चल जाएगी। चाहे अगर कोच या टीचर चाहे तो इसी प्रश्न पर आप 20 से 25 मिनट आपके खा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और आपको बहुत बहुत ही बेहतर फीलिंग भी आ सकती है समझ की, लेकिन जो रियलिटी है वो है एग्जाम में एक सर्टेन टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट के कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करके, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करके एक पेपर बनता है, और उसमें रिलेटिव मार्किंग के बेसिस पे कुछ चुने हुए लोगों को ही लिया जाता है। तो इसलिए कई मायनों में मैं मानता हूं कि टीचर को उस अप्रोच से भी अप्रोच करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट उस फीलिंग तक जाकर अपनी रियलिटी को भांप सके। तो उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि क्वेश्चन को जो दायरे में जितना समय में सॉल्व होना चाहिए उस प्रोसेस के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत लोग करते हैं और सिलेक्ट बहुत कम लोग हो पाते हैं। उसके पीछे यही स्ट्रेटेजी है जो बिल्कुल क्रिटिकल एनालिसिस करती है कि आखिर आना सब कुछ पर्याप्त नहीं है, सही तरीके से सही टाइम बाउंडेशन के भीतर स्ट्राइक करना माइंड को, उसकी प्रैक्टिस होना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द व्हीकल इज 6 मीटर, रेडियस ऑफ द कर्व इज 400 मीटर, स्पीड इज 50 km/h, एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होगी, 4 लेन कैरिज वे, एन की वैल्यू 4 दे दी है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फार्मूला होता है एनएल स्क्वायर अपॉन 2R प्लस वी अपॉन 9.5 रूट आर। अब यहाँ प्रश्न आता है कि वी मीटर पर सेकेंड में होगा, km/h में होगा, वी km/h में होगा, उन्हीं सब चीजों को बेसिस पे ये सब फार्मूले बनते हैं, जहां कभी 254 एफ हो जाता है क्योंकि वो सब बदला जाता है मीटर के किलोमीटर, तो याद रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। V की वैल्यू 50 दी है, N की वैल्यू 4 दी है, L की वैल्यू 6 मीटर दी है, R की वैल्यू 400 मीटर दी है, सारी वैल्यू उठा के रख दो, 0.43 समथिंग आएगा, तो 0.44 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज 65 मीटर, द रेडियस इज 300 मीटर एंड द वेलोसिटी इज 80 km/h, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल बी। तो जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है वो रेडियल एक्सीलरेशन के चेंज की वजह से जो आती है, तो एल बराबर वी क्यूब अपॉन सी आर होता है, यहां पर वी की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में होती है। इसके अलावा अगर सुपर एलिवेशन की वजह से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो तो किसके अबाउट रोटेट किया है, इनर एज के अबाउट की सेंटर के, उस हिसाब से फार्मूला ई एल एल बराबर ई एन डब्ल्यू या ई एन डब्ल्यू बाई टू, उसके हिसाब से फार्मूला लग जाता है, सेंटर के है तो ई एन डब्ल्यू बाई टू, एज के है तो ई एन डब्ल्यू। इसके अलावा आईआरसी ने जो रिकमेंड किया है, अगर प्लेन और रोलिंग टेरेन है तो 2.7 वी स्क्वायर बाई आर, और अगर माउंटेनियस रीजन है तो वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तीन फार्मूले लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में पूछे जाते हैं, तो कभी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन है, कहीं आईआरसी रिकमेंड कर रही है तो कहीं सुपर एलिवेशन की वजह से, तो कहीं रेडियल एक्सीलरेशन की वजह से। तो यहां पर वी की वैल्यू आप 80 km/h को मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिएगा, सी की वैल्यू आपको पूछी गई है, एल की वैल्यू आपको दी है, आर की वैल्यू आपको दी है, यहां से सी की वैल्यू 56.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यूब आ जाओ। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन इतनी नॉलेज आपको दे देता है। चौथा क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ द एबीसीडी इन द ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ पेमेंट डिजाइन आर 20, 30, 20, 10, देन द ग्रुप इंडेक्स वैल्यू विल बी। फिर से रिपीट कर दें, इतने ही अच्छे से पढ़े हो, अगर 100 लोग एसएससी मेंस में क्वालिफाई होते हैं, या एक कमरे में 100 लोग बैठे हैं जो एसएससी प्री को क्वालिफाई किए हैं, इस क्वेश्चन के बाद
बहुत ज्यादा समय दे दिया जाए तो बात अलग है कि रिमाइंड में आ जाए, सही लिख दें, वन टाइम में विद इन ए मिनट आपको फार्मूला लिखना है। जो टायर 1 में 100 लोग क्वालिफाई होंगे, जिसमें 80 कैंडिडेट गलत करेंगे, 20 सही कर सकते हैं। ये स्थितियां हैं जो ओवर द ईयर मैं टीचिंग कर रहा हूं, उसमें मैं जानता हूं कि आप भूलते कहां हैं, तो उसका तरीका उसी समय सोचा जाता है जब पढ़ते वक्त ये रिलाइज हो कि तो भूल ही जाना है, वहीं पे क्वेश्चन लगाना है, नहीं दूसरे याद रख लेंगे इसलिए मुझे नहीं भूल जाना है। तो उसमें क्या होता है कि फार्मूला किसी किसी को लॉजिकली याद हो जाता है, कुछ लोग उसमें वो बना लेते हैं कि हाँ इसको इस तरीके से कर दें। तो 0.2A + 0.005AC + 0.01BD, ये इसका फार्मूला होता है। अब ABCD की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको दी है, उठाकर आप रख दीजिए, ये GI का फार्मूला है, तो आपको वैल्यू जो भी आएगी वो मिल जाएगी, संभवतः 9 आएगी। तो जो वैल्यू आई मिल गई। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक लेवल गेट लेवल को छूना चाहूं या एसएससी मेंस का टिपिकल क्वेश्चन बनाना चाहूं, तो मैं इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्रिएट कर सकता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वैल्यू दे दी, ग्रुप इंडेक्स नहीं पूछ रहा हूं मैं, मैंने पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज डज नॉट बिलोंग टू द वैल्यू ऑफ बी एंड डी। ए बी सी डी की वैल्यू नहीं दी है, देयर आर फोर वैल्यूज विच मे बी, विच आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी बट नॉट पर्टिकुलर विच वैल्यू बिलोंग्स टू ए बी और सी और डी। दीज आर फोर वैल्यूज 20, 30, 20 and 10 बिलोंगिंग टू वैल्यू ऑफ ए बी सी डी बट नॉट डिसाइडेड विच वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू बिलोंगिंग टू बी एंड डी, बहुत ही इरेलेवेंट है, नहीं पूछा जाएगा, बट येट नॉलेज के लिए लेवल पे जानना बहुत जरूरी है। तो आंसर सिर्फ 30 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो बी और डी की वैल्यू है वो 20 से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, जो सी और डी की वैल्यू है वो 20 से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, और ए और बी की जो वैल्यू है वो 40 से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। सी और डी की जब वैल्यू आती है तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात होती है। जब सी की वैल्यू आप पढ़ेंगे तो आप लिक्विड लिमिट में वैल्यू घटा रहे हैं 10, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स में 10 वैल्यू घटा रहे हैं। कब कब घटा रहे हैं? जब आपकी वैल्यू 20 से ज्यादा ना हो। तो इसी तरीके से आप ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, वहां वैल्यू 40 से ज्यादा ना हो। तो बहुत अच्छे से ग्रुप इंडेक्स को पढ़ लीजिएगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपके सामने प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट इस तरीके से दे दिया तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो वो जनरली बच्चे छोड़ते हैं या भूलते हैं या इरिटेट होते हैं, और उन्हें पूछने में मजा आता है, और यही कंपटीशन का मेन कोर चीजें हैं जिन पे बहुत प्रिसाइसली, बहुत इंटेंसली, बहुत लिख कर, क्योंकि ये चीजें बाहर फेंकती हैं आपको, आपसे नहीं कर होने देंगी, उस सरल चीजों को ही रिमाइंड रखने देंगी, और किसी के लिए बहुत यूजुअल है, एक एक चीज उसके लिए बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 55 km/h फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन ए टू लेन रोड, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.37 एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 2.7 सेकेंड। सिंपल, VT + V² / 2gf और 0.278 VT + V² / 254 AF। इन द फर्स्ट केस वी आर डीलिंग विद द वी इन m/s, इन द सेकेंड केस वी आर डीलिंग विद द वी इन km/ph। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। वी की वैल्यू यहां पर 55 km/h है, इसको हमने मीटर पर सेकेंड में बदल लिया, टी हमें सेकेंड में दिया ही हुआ है, वी की वैल्यू हम यहाँ रख ही देंगे, जी हमें पता है, एफ हमको दिया ही हुआ है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3% डाउनग्रेड कर्व इज फॉलोड बाई 2% अपग्रेड कर्व एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड एडॉप्टेड इज 0.1% per 20 m, द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व। अब ये क्वेश्चन बहुत सरल है और एक लाइन का है, अगर समझ जाओ। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड है वो इन दोनों के सब्सट्रैक्शन से आता है, n1 - n2। चूंकि डाउनग्रेड -3 है, अपग्रेड 2 है, तो 2 - -3 करके ये 5% का टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड आएगा। अगर उल्टा भी करोगे तो माइनस में आएगा, तो उसमें मॉड लगाना, फिर मॉड लगाएंगे आप। अगर मॉड नहीं लगा रहे हैं तो व्यवहारिक समझ रख के उसको कर लीजिए। तो वो 5% रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड आया, 0.1% पे 20 है, तो 1% पे 200 होगी, 5% पे 1000 होगी, आंसर सी पार्ट होगा। ये क्वेश्चन इतना ही है, बिल्कुल कॉमन सेंस का। द हाइट ऑफ द क्राउन ऑफ ए पैराबोलिक कर्व ऑफ 1 in 36 विद रिस्पेक्ट टू द एजेज ऑन रोड हैविंग कैरियर वे विड्थ ऑफ 3.75 m। ये 3.75 है
और हाइट ऑफ द क्राउन आपसे पूछी है। इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो वाई बराबर 2x² / NW यूज होता है। वाई बराबर 2x² / NW। वाई क्या है? ये हाइट ऑफ द क्राउन है, और मैक्सिमम हाइट जो मिलती है वो x बराबर W/2 पे मिलती है। जो मैक्सिमम हाइट मिलेगी वो x बराबर W/2 पे मिलेगी। तो यहां पे W/4 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो और डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, तो W/2n जो आएगा वो आपकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। और यहां पे W 3.75 है, एन की वैल्यू 36 है। आराम से आप वैल्यू रख देंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो आराम से आपको हाइट ऑफ द क्राउन मिल जाएगी। W/2n करने पे W 3.75 है और 2 × 36 आपका 72 हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको इन्हीं दो में कोई एक वैल्यू 4.67 4.95 में मिल जाएगी। तो आप फंडामेंटली जान गए कि अगर हाइट ऑफ द क्राउन पूछा जाएगा पैराबोलिक कैम्बर में, आइदर यूज द फार्मूला W/2n और नो द प्रूफ 2x² / NW में x बराबर W/2 पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इफ द अगला क्वेश्चन, इफ द स्पॉट स्पीड इन KmPH आर, ये चार वैल्यू दी, पांच वैल्यू दी हैं आपको, टाइम मीन स्पीड और स्पीस स्पेस मीन स्पीड आपसे पूछा गया है। तो टाइम मीन स्पीड और स्पेस मीन स्पीड के फार्मूले होते हैं। टाइम मीन स्पीड जो होता है वो एम अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स होता है, और स्पेस मीन स्पीड जो होता है वो HM ऑफ स्पॉट स्पीड्स होता है। दोनों का फार्मूला लगा दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। एम क्या होता है? सभी को जोड़ के एन से डिवाइड कर दें, और HM क्या होता है? एन ऊपर रखें, एन मतलब कितने कितने हैं, पांच हैं, स्पीड स्पॉट स्पीड अपॉन 1/V1 +1/V2 +1/V3 इस तरीके से कर दीजिएगा। तो एम और HM करके आपको इसी में से आंसर संभवतः बी मिल जाएगा। हम फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअली चीजें बता रहे हैं, अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा।